लेकिन ठहर जाइए, माशाल्लाह अभी तीन टीम्स और बाकी हैं, इनको मैं जगह थोड़ा थोड़ा उधर हो जाइए, अभी तो तीन टीम्स और आनी है, जरा उधर तो हो जाइए। चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट टीम है टीम वुल्व्स, आइए। जैसी ईशा, नबील और दुआ, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, आइए आ जाओ बेटे, जल्दी जल्दी आ जाओ। तुम कैसे इतने स्लो चलते हुए क्यों आ रहे हो, है कैसे हो जैसी, जरा माइक दे अपने बड़े भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जैसी तुम लास्ट टाइम से लास्ट टाइम चैंपियन बन गए थे, लेकिन जो इससे पहले वाला सीजन 9 था उसके अंदर तुम सबसे पहले बाहर हो गए थे। यस सर। क्या इस सीजन के अंदर ऐसा कोई इरादा तो नहीं है? नहीं सर, बाहर होने का तो कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये नबील बहुत खतरनाक प्लेयर है और नबील को भी मैं ही चुन के लाया हूँ अपनी टीम के साथ मिलकर, क्योंकि मैंने देखा है कि ये कैसा खेलता है। एक, दो और तीन फैयाज, ये तीनों बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, इसीलिए इन तीनों को शामिल किया गया है और तुम्हारी टीम में नबील को इसलिए डाला गया है कि ये मुकाबला करें। यहाँ आमिर का, लारेब का, जैन का तो करता ही रहता है, फैयाज का और अब्दुल बासित का और जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं उनका भी, लेकिन अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी कोऑर्डिनेशन पे, क्योंकि तुम्हारे पास तीन प्लेयर्स हैं नए। दुआ जो होती है वो गेम शो पाकिस्तानी का हिस्सा, ईशा कमाल की प्लेयर है इसलिए उसको डाला गया है। तुम्हें जुड़ के खेलना है इन लोगों के साथ इंशाल्लाह, और तुमने ही बताना है इनको कि यार हम किसी और जगह से नहीं आए, किसी और प्लेनेट से नहीं आए हुए, हम सब यहीं खेलते हैं और हम एक एक जगह होकर अगर खेलेंगे तो इन जैसी टीम्स को भी हरा सकते हैं। दुआ कैसे हो आप, माइक दो दुआ को। मैं ठीक हूँ। तैयारी है? जी बिल्कुल। इन लोगों के साथ लड़ने की तैयारी है? जी बिल्कुल। चलो मैं देखूंगा, क्योंकि सारी लड़कियां तैयार हैं। आज ईशा को बुलाया गया है, खुश रहो पाकिस्तान से। ईशा भी वन ऑफ देम जो कभी नहीं हारती, बड़ी रेयरली मैंने देखा है कि ईशा अपना हारी होगी कोई गेम, इसलिए ईशा को यहाँ पे जैजी और नबील के साथ रखा गया है। तुम्हारी तैयारी कैसी ईशा, पहले मुझे ये बताओ, तुम नर्वस तो नहीं हो? नहीं नहीं। बेहतरीन यार, नर्वस किसी ने नहीं होना। गाइज याद रखो, जितना ये फ्लोर गेम शो के बच्चों का है उतना ही ये फ्लोर खुश रहो पाकिस्तान के बच्चों का भी और गेम शो पाकिस्तानी के बच्चों का भी है। तुम सबको वेलकम करता हूं। हां बोलो। आप इनको बताना भूल गए कि यहां का मॉनिटर मैं हूं, शरारत नहीं करना कोई। रमजान लीग के अंदर मॉनिटर कोई नहीं है, यहां मैंने सबको बराबर कर दिया, वरना सर मॉनिटर के लिए यहां बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं। है नहीं नहीं, उसके बाद जब शुरू होगा नेक्स्ट सीजन तो मॉनिटर यही होगा। बबन चांडियो हम नहीं मानते यार, मैंने कहा था उसका नाम लिखवा बबन चांडियो, सबको स्टिकर मिलेंगे। हाँ तुम सबके नाम मैंने लिख दिया। हाँ भाई नबील कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये तुमने बाल इतने ज्यादा क्यों कटवा लिए? सर मैंने कहा नया शो नया लुक। ये नया लुक है बेटे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक है। और अब तुम लुक अपना वो बताओगे, जीत के बार बार इनको दिखाना, कहना ये देखो लुक, कहना लुक याद रखना। सर ये इतना दिमाग हल्का करके आया है, इसके ऊपर मैंने बहुत गर्म किया। ओके ये तो अपना मतलब कि हम जीते हुए थे, मैंने ऐसे इसको कहा है कि थोड़ा सा हल्का होके आना, यहाँ पे गेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। अरे मैं भी नीचे जा रहा हूँ तो मुझसे बच के रहना, अपने आप को थोड़ा सा मुन के आ। ये आप लोगों की आपस की राइवलरी मैं नहीं जानता, गेम्स में आओ एक दूसरे को हराते जाओ, जो बोलना बोलो, लेकिन गेम्स में हरा के हमारी तो गेम्स बोलेंगी। हाँ गेम्स बोलेंगी, जीत बोलेगी एक दूसरे की, जो आएगा जो जीतेगा। यहाँ का चैंपियन, यहाँ का सुल्तान सिर्फ वो होता है, सुल्तान से याद आया। हाँ भाई नेक्स्ट टीम कौन सी हमारी टीम? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।